नहीं चाहिए ननद वाला ससुराल। कहते हैं हर घर में सबकी बराबर बात मानी जाए तो घर अच्छे से चलता है, लेकिन क्या हो जब एक घर में सिर्फ ननद अपनी चलाए। चलिए देखते हैं। ऐसे ही नंदिनी आज घर में चाप की सब्जी बना रही थी, तभी वहाँ रीमा आती है और उसको चाप बनाता देख लेती है। भाभी ये क्या, आप चिकन बना रही है? अगर मम्मी को पता चल गया ना कि आप इस घर में चिकन बना रही है तो आपकी खैर नहीं है। ननद जी लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, तभी तो आपको चिकन और सोयाबीन चाप में फर्क नहीं दिखाई दे रहा। भाभी ये कोई सोयाबीन चाप नहीं है बल्कि चिकन ही है। यहीं रुकिए, मैं अभी माँ को बात करके आती हूँ। इतना बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ सुमित्रा के पास जाकर उसके कान भरने लगती है। माँ आपको पता भी है आपकी पीठ के पीछे इस घर में क्या बन रहा है? नहीं तो बेटा, बताओ क्या बन रहा है। मुझे तो बहू ने बताया था वो आज कुछ अलग सब्जी बना रही है। कोई अलग सब्जी नहीं बना रही वो, बल्कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रही है। आज तक इस घर में चिकन नहीं बना, लेकिन वो महारानी इस घर में चिकन बना रही है। चिकन? ये क्या बकवास कर रही हो रीमा तुम, इस घर में चिकन? नहीं नहीं, वो इस घर में चिकन बना ही नहीं सकती, क्योंकि उसे भी पता है कि इस घर में चिकन कोई नहीं खाता। अरे माँ, इस घर में कोई नहीं खाता लेकिन वो तो खाती है ना। तुम कहना क्या चाहती हो कि नंदिनी घर में चिकन बना रही है? नहीं तो क्या, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलकर खुद किचन में देख लीजिए। कानों सुनी ना सही लेकिन आंखों देखी तो विश्वास हो ही जाएगा ना आपको। रीमा की बात सुनकर सुमित्रा किचन में जाती है, जहां वो चाप को फ्राई होता देख अपनी बहू से कहती है, नंदिनी ये क्या बना रही हो तुम? क्या बना रही हूँ माँ जी, चाप की सब्जी है और क्या, और वैसे भी मैंने आपको बताया तो था आज मैं कुछ अलग बनाऊंगी। हाँ तुमने कहा था तुम कुछ अलग बनाओगी, लेकिन तुम चिकन बनाओगी ये मुझे नहीं पता था। चिकन? चिकन कौन बना रहा है माँ जी, और आपको ये बात कही किसने कि मैं इस घर में चिकन बना रही हूँ? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि घर में कोई चिकन नहीं खाता, तो मैं इस घर में चिकन क्यों बनाऊंगी? रीमा ने बताया कि तुम चिकन बना रही हो। अच्छा तो ये बात है, मम्मी जी मैं चाप की सब्जी बना रही हूँ और ये सोयाबीन चाप है। सोयाबीन? हाँ सोयाबीन चाप दिखता चिकन की तरह होता है, लेकिन वो चिकन नहीं होता, वो प्योर वेज होता है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप गूगल कर सकती हैं, या फिर आप अपने बेटे अनुराग को फ़ोन करके पूछ सकती हैं। नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा रीमा को बुलाती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। रीमा ये क्या बेहूदगी है, जब तुम्हें पता है कि ये चाप सोयाबीन का होता है तो तुमने मुझे ये क्यों कहा कि तुम्हारी भाभी चिकन बना रही है? वो माँ मैंने ना सही से देखा नहीं था, हो सकता है मेरे सही से ना देखने पर मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। रहने दीजिए माँ जी, ननद जी से तो हमेशा गलतियाँ होती ही रहती हैं, इसलिए मुझे ना आदत हो गई है, और यही वजह है कि मैं ननद जी की बात का बुरा नहीं मानती। आप डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। नंदिनी की बात सुनकर रीमा और सुमित्रा दोनों ही डाइनिंग टेबल पर चली जाती हैं, और कुछ देर बाद नंदिनी अपनी सास और ननद के लिए खाना लगाती है। खाना खाने के बाद अब सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। देर रात अनुराग घर आता है, अनुराग को देख नंदिनी उसके लिए खाना लगाती है, और कुछ देर बाद वो कहती है, अनुराग जी हमारी टीवी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, कभी कभी तो हमारी टीवी चलते हुए ही बंद पड़ जाती है, क्यों ना हम एक अच्छी डिजिटल टीवी ले लें? नंदिनी तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं टीवी खरीदूं या रीमा की शादी की सोचूं, क्योंकि तुम जानती हो ना उसकी शादी में भी हमें उसे दहेज देना होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अनुराग, लेकिन हम कब तक अपने घर का पुराना टीवी बार बार ठीक करवा कर देखेंगे? एक तो हमारे घर में वो छोटा सा टीवी, ऊपर से माँ जी को चश्मा भी लगा हुआ है। हाँ तुम्हारी बात है सही, लेकिन तुम ये भी तो सोचो ना कि रीमा भी शादी लायक हो गई है, हमें उसकी शादी करनी होगी। वैसे भी मैंने रीमा के लिए एक रिश्ता देखा है, माँ से कल ही इस बारे में बात करूँगा। नंदिनी और अनुराग आपस में बात कर रहे थे और उनकी आपस की ये बातें दूर खड़ी रीमा सुन रही थी। अच्छा तो मुझे इस घर से निकालने की बात की जा रही है, कोई बात नहीं भैया, माँ से शादी के बारे में बात करें, उससे पहले मैं ही माँ के कान भर दूंगी। इतना बोलकर रीमा अपनी माँ सुमित्रा के पास चली जाती है और एक बार फिर अपनी माँ के कान भरने लगती है। माँ आपको पता भी है आपकी बहू आपके बेटे के कान भर रही है। क्या बकवास करती रहती है रीमा तू, मुझे तो अब तेरी बात पर विश्वास ही नहीं होता, और भला बहू अनुराग के कान क्यों भरेगी? अनुराग मेरा इकलौता बेटा है और वो इस घर की इकलौती बहू, तो उसे उसके कान भरने की जरूरत ही नहीं है। अभी भैया इकलौते नहीं हुए हैं माँ, अभी मैं हूँ इस घर में, इसलिए मुझ पर भी ध्यान जाता है भैया का, और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना
तो आप खुद ही भैया से पूछ लेना कि भाभी इस घर में टीवी की बात कर रही थी या नहीं। भाभी इस पुराने टीवी को बेचकर नया टीवी लाना चाहती है, वो भी डिजिटल। उस दिन की बात से सुमित्रा रीमा की बात पर विश्वास नहीं करती थी। वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोल देती है। अगले दिन अनुराग अपनी माँ से रीमा की शादी की बात करता है। माँ, मैं यहाँ आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। हाँ बेटा, बता क्या बात है। माँ, अब रीमा बड़ी हो गई है, समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने उसके लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता देखा है। जैसे अपना छोटा सा घर है ना, वैसे ही वो घर भी है, एक भाई और दो बहन। पर लड़का बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा कमाता है। एक बार आप देख लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। बेटा, मेरे देखने से क्या होगा, रहना और पसंद करना तो रीमा के ऊपर ही है ना। अब वो इस शादी के लिए हाँ करेगी तो ही तो शादी होगी। हाँ, तो ये फोटो आप भी देख लो और रीमा को भी दिखा दो। लड़का बहुत अच्छा है माँ, कमाता भी बहुत अच्छा है, अच्छी फैमिली है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि रीमा इस लड़के के लिए मना नहीं करेगी। सुमित्रा अब लड़की की फ़ोटो दिखती है। सुमित्रा को रीमा के लिए वो लड़का पसंद आ जाता है। लेकिन जब सुमित्रा वो फ़ोटो लेकर रीमा के पास जाती है और उस लड़के का बायोडाटा उसे बताती है तो, माँ लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता भी है, मुझे लड़का पसंद भी है, लेकिन मैं इस घर में शादी नहीं करूँगी। क्यों ननद जी, आप इस लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि इसकी दो दो बहनें हैं, आप समझ रही हो भाभी, दो दो ननद। मैं ननद वगैरह को नहीं झेल सकती, मैं उसी घर में जाऊंगी जिसमें इकलौता लड़का ही हो। रीमा, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, और क्या हुआ अगर उसकी दो बहन है तो? अरे आज है कल नहीं है। भाभी आपको पता नहीं है ननद कितनी तेज होती है, सास बहू के बीच जितनी भी बहस होती है ना, उन सबके बीच ननद का ही किया कराया होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे और नंदिनी के बीच में जितनी भी लड़ाई होती है उन सबकी आग तू ही लगाती होगी। माँ मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे क्या मिलेगा मेरे घर में आग लगाकर? हाँ तो इस लड़की की बहन भी ऐसी नहीं होंगी। देखो संडे को लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए तुम रेडी रहना। और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रही बल्कि तुम्हारे भैया बोल कर गए। नंदिनी की बात सुनकर रीमा अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को नंदिनी अनुराग से कहती है, अनुराग जी मैं क्या कह रही थी कि अब तो नंदिनी का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा, अब उसकी शादी के लिए हम सामान लेंगे, तो क्यों ना हम अपने घर के लिए भी टीवी ले लें। अब कल को मेहमान आएंगे तो उनके सामने ये छोटा सा टीवी अच्छा थोड़ी ना लगेगा। नंदिनी की बात सुनकर अनुराग उसकी बात से सहमत होता है और अगले ही दिन वो एक बड़ा और महंगा टीवी लेकर आ जाता है अपने घर में। इतना बड़ा और महंगा टीवी देखकर रीमा एक बार फिर अपनी माँ के कान में बुदबुदाने लगती है। देखा माँ क्या कहा था मैंने आपसे, कहा था ना भाभी भैया को टीवी लेने के लिए फोर्स कर रही हैं, और देखो कितना बड़ा और कितना महंगा टीवी लेकर आ गए भैया। भाभी तो ज़रा भी नहीं सोचती कि भैया के ऊपर कितना प्रेशर है। अरे कल को मेरी शादी होगी तो उसमें भी तो खर्चा जाएगा ना, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, अगर भैया टीवी नहीं लाते तो क्या बिगड़ जाता। रीमा की बात सुनकर सुमित्रा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अनुराग से कहती है, अनुराग तूने इतना महंगा टीवी क्यों लिया और किसे दिखाने के लिए तू इतना महंगा टीवी लेकर आ गया? माँ जी आप अनुराग जी पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? और वैसे भी ये टीवी मैंने मंगवाया है अनुराग जी से, क्योंकि अपना टीवी खराब हो रहा है, अपना टीवी छोटा भी है। इस संडे जब लड़के वाले हमारी रीमा को देखने आएंगे तो अजीब नहीं लगेगा इस छोटे टीवी के सामने बैठने में उन्हें? बहू हमारी जितनी चादर होती है ना, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और तू ये कैसे भूल गई कि कल को रीमा की शादी होगी, उसमें हमें दहेज भी देना होगा। अगर तू इसी तरह मेरे बेटे पर हर चीज़ के लिए प्रेशर बनाती रहेगी तो हम रीमा की शादी कैसे करेंगे? अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर नंदिनी के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो ना चाहते हुए भी अब बोल पड़ती है, माँ जी माफ़ करना पर आज पहली बार मैं आपको जवाब दे रही हूँ। ये जो टीवी आप देख रही है ना, हाँ मैंने अनुराग जी को कहकर मंगवाया है, उनके पैसे से मंगवाया है। लेकिन आप बार बार जो ये बात कर रही है ना कि रीमा की शादी, तो मैं आपको बता दूँ कि रीमा की शादी के लिए मैं अपनी FD तुड़वा रही हूँ, और ये टीवी मैंने अपने शौक के लिए नहीं बल्कि इस घर की शोभा बढ़ाने के लिए मंगवाया है। अरे हमारे पास इतना बड़ा घर है लेकिन एक टीवी नहीं है, अगर मैंने एक टीवी मंगवा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? नंदिनी के मुँह से ये सब जानकर रीमा और सुमित्रा को अपने कहे हुए शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू से माफ़ी मांगती है और रीमा भी अपनी हरकतों के लिए अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है और चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर देती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रीमा की शादी हो जाती है
जहाँ उसकी एक नहीं दो दो ननद थी।